नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे अशोका बिल्ड कॉन के बारे में। मार्केट क्लोज होते वक्त ना 3 बजे के आसपास ना इनको एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला हुआ है। ऑर्डर के जो टोटल कॉस्ट है वो 2791 करोड़ का है, मतलब 2800 भी इसको कह सकते हो, राउंड फिगर में 2800 करोड़ का इनको एक अच्छा खासा सरकारी ऑर्डर दिया गया है। और ये देने वाली कंपनी का नाम क्या है तो NHAI है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। 910 दिन के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट इनको करके देना है। और ये ना 4 लेन का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट का ये पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है। अभी क्या करना चाहिए स्टॉक को लेकर, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को लेकर, तो देखिए इनको ना पिछले महीने में भी ना बहुत से गवर्नमेंट ऑर्डर दिए गए हैं। और ये ऑर्डर जो है महाराष्ट्र की तरफ से दिया गया था। महाराष्ट्र में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, मतलब चालू किए गए थे, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिले थे इनको अशोका बिल्डकॉन को। दूसरा चीज़ बात करें तो इनका ना ऑर्डर बुक बहुत ही तगड़ा है। और यहाँ पर आप ना काफ़ी टाइम से साइडवेज मोमेंटम में देख रहे हो स्टॉक्स ना, जब जब ऑर्डर इनको मिला बहुत ही अच्छा इसने ना कैंडल्स बनाए और अपसाइड का मोमेंट दिया, मगर बार बार ना अपसाइड से सेलिंग आने लग जा रहा है। और जब और किसकी सेलिंग आ रही है तो निफ्टी का ना जो सेलिंग आ रही है ना, वही सेलिंग हमको यहाँ पे भी दिख रहा है। देखने वाला निफ्टी गिरने लग जाता है तो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा डर जाते हैं, बाबा सेलिंग करने लग जाते हैं। और जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, मतलब 230 रुपये का जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया जा रहा है। कल के दिन अगर रिकवरी भी करता है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ना मार्केट क्लोजिंग वक्त मिला है, मतलब 3 बजे के आसपास मिला, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज के मतलब कल के दिन देखने को मिलेगा। अगर ये 240-250 का लेवल ब्रेकआउट कर लेता है तो यहाँ से भी रिकवरी बनने के चांस बन सकता है। और बाय चांस अगर ये ना 230 का लेवल, मतलब 220 का जो सपोर्ट लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है कल के दिन, तो फिर यहाँ पे आपको ना 200 रुपये का पहला टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, दूसरा टारगेट जो रहेगा 180 रुपये तक का भी गिरावट ये दे सकता है। जो मजबूती सपोर्ट लेवल है वो 220 का है, कल के दिन अगर होल्ड कर देता तो रिकवरी का चांस बन सकता है, नहीं तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। तो सारे कंडीशन सारे न्यूज़ बता दिए। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। बस को रिकमेंडेशन ही जय हिंद।